तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने सक्सेस टू यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए सेकेंड ईयर राजनीतिक शास्त्र मॉडल पेपर के बारे में। ठीक है, तो आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। बीए द्वितीय वर्ष सब्जेक्ट होगा आपका राजनीतिक शास्त्र का, और जो प्रश्न पत्र है प्रथम है। ठीक है, सबके दो दो भाग होते हैं, तो आज इस वीडियो में हम प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में द्वितीय की बात करेंगे। ठीक है, ये सारे मॉडल क्वेश्चन पेपर हैं जो पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, फुल मॉडल पेपर है, तो आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर टाइम दिया है और यहाँ पर पूर्णांक दिया, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, सभी प्रश्नों के उत्तर देना है। नंबर एक प्रश्न है, कौटिल्य के अनुसार राज्य के नियति तत्व कौन से हैं, व्याख्या कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है। उसके बाद दूसरा अथवा करके है। ठीक है, अथवा करके मतलब ये है कि चाहे आप ये क्वेश्चन करिए चाहे ये करिए, दोनों में से एक करना है आप लोगों को। ठीक है, और यहाँ इंग्लिश में भी लिखा है और हिंदी में भी लिखा है, तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन रहता है कि सर हिंदी में भी है इंग्लिश में है, तो मैं इंग्लिश में लिखूंगा या इंग्लिश में हिंदी में लिखूंगा। तो मैं आपको बता दूं, ठीक है, आप हिंदी में लिख सकते, क्योंकि हिंदी बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है जिसमें आप अच्छे से लिख पाएंगे, थोड़ा बहुत आप बना के लिख सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में आपको थोड़ा सेंटेंस रॉन्ग हो गए तो मिस प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि आप बीए का एग्जाम दे रहे हैं, अगर आपको इंग्लिश में लिखना होता तो बीएससी ना कर लेते। ठीक है, तो आपको हिंदी में लिख लेना, जिससे आपको ही आसानी होगी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अथवा, अथवा है मतलब कि एक ही क्वेश्चन करना, चाहे ये करिएगा चाहे ये करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद के सामाजिक तथा धार्मिक विचारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दो है, आप देख लीजिए। जो स्वामी विवेकानंद थे उनके सामाजिक और धार्मिक के जो विचार थे उनका वर्णन कीजिए। क्वेश्चन का मतलब समझिए, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसका आंसर तो मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आंसर इतना, क्योंकि आप लोगों को वो लिखना होगा ना, आप लोगों को क्वेश्चन मिलेंगे और कॉपी मिलेगी तो उसमें लिखना होगा, तो लिखने के लिए तो बहुत सारा आप लोगों को 3 से 4 पेज में लिखना ही होगा। ठीक है, तो इनके जो क्वेश्चन है मैं क्वेश्चन सारे बता दे रहा हूँ जो कि पिछले एग्जाम में पूछे गए थे पिछले साल, तो सारे क्वेश्चन आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, या आप सीरीज खरीदेंगे तो उसमें से सर्च कर लीजिएगा, ढूंढ लीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, बट आपको हेल्प मिल जाएगी, आइडिया लग जाएगा कि हाँ एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। हो सकता है कि इस सारे जितने भी क्वेश्चन है इस मॉडल पेपर में, फुल मॉडल पेपर है, तो एक दो क्वेश्चन हो सकता है कि उसी से संबंधित आ भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं। तो उनके सामाजिक यानी कि सामाजिक और धार्मिक, समाज के बारे में और धर्म के बारे में उनके क्या विचार थे उनका वर्णन कीजिए। ठीक है, समाज, स्वामी विवेकानंद जो थे उनके समाज, जैसे कि आप लोगों का समाज है इसमें, उन्होंने इसके बारे में क्या विचार थे, और धार्मिक, धर्म के बारे में उनका क्या विचार था, इसी का वर्णन करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट अथवा करके दूसरा क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचारों का मूल्यांकन कीजिए। तो आप चाहे ऊपर वाला कर दीजिएगा चाहे नीचे वाला, ठीक है, इसमें भी विचारों का, राजनीतिक विचारों का मूल्यांकन करना है दूसरे वाले क्वेश्चन में। देखो, दो क्वेश्चन इसमें इसलिए दे जाते हैं अथवा करके, जिससे क्या होता है, अब क्वेश्चन तो लॉन्ग होते हैं, आप लोगों को पता है ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के ऑब्जेक्टिव तो है नहीं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, ये काफ़ी डीप में लिखना होता है। ठीक है, तो अगर आप एक ही क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे मान लीजिए, तो हो सकता है ये क्वेश्चन ना आए, तो इसलिए अथवा करके भी डाल दिया जाता है कि हाँ अगर स्टूडेंट को ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो इसका ये क्वेश्चन आ रहा होगा। ठीक है, इसलिए दो दे दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो क्वेश्चन हो चुके हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के प्रतिलक के योगदान की व्याख्या कीजिए। ठीक है, उसके बाद अथवा करके है, महर्षि अरविंद के आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की व्याख्या करो। तो जो आप लोगों को क्या करना है इस क्वेश्चन में, योगदान के बारे में व्याख्या करना है। अब व्याख्या का आप मतलब समझ ही गए होंगे कि कम से कम दो पेज तो हमें, दो ढाई पेज तो लिखने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो दो ढाई पेज में आप लिख जरूर दीजिएगा, बीच में आप थोड़ा आप अपने हिसाब से बना के भी ले सकते हैं, लेकिन जो आपका पहला पेज रहेगा और लास्ट पेज रहेगा उसमें आप अच्छे से लिखिएगा, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपके मार्केट में सीरीज क्वेश्चन बैंक आ गए तो परचेज कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं। मैं आप लोगों की थोड़ी बहुत हेल्प इसलिए कर रहा, ये सब क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको आइडिया लग जाए भाई हाँ किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, क्या प्रोसेस होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो सारे क्वेश्चन हैं इनकी पीडीएफ अगर जिन स्टूडेंट को चाहिए मैं उनको बता दूं, लास्ट वीडियो के लास्ट में भी मैं बता दूंगा कहां से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चार नंबर है, चार नंबर क्वेश्चन ये है, सत्याग्रह तथा अहिंसा पर महात्मा गांधी के विचारों का वर्णन कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर तो शायद बहुत सारे स्टूडेंट बना के भी लिख सकते हैं दो ढाई तीन पेज में, ठीक है। सत्याग्रह तथा अहिंसा पर महात्मा गांधी के विचारों, क्या विचार थे सत्याग्रह और अहिंसा पे, उन्हीं का वर्णन करना है। तीन से चार पेज में लिख दीजिए, आपके अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है तो दूसरा वाला आप देख लीजिए, अथवा करके जो है ये लोकतंत्र व समाजवाद के ऊपर जवाहरलाल नेहरू के विचारों की विवेचना कीजिए। भाई लोकतंत्र और समाजवाद के ऊपर जो जवाहरलाल जी के, नेहरू जी के जो विचार थे उनका आप लोगों को वर्णन करना, विवेचना करना है, ठीक है। बस और कुछ खास नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट पढ़े हैं उनके लिए तो अच्छा है, जो नहीं पढ़े हैं भाई, रेगुलर क्लासेस नहीं किए, डायरेक्ट एग्जाम देने वाले हैं, तो उनके लिए थोड़ा कन्फ्यूजन है। लेकिन अभी से आप स्टार्ट कर देंगे पढ़ाई क्वेश्चन बैंक लेकर तो आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम एन राय के राजनीतिक विचारों का मूल्यांकन कीजिए। अथवा करके दूसरा क्वेश्चन है, संत तुलसी के प्रमुख सामाजिक विचारों की व्याख्या कीजिए। तो आई होप तुलसीदास के बारे में आप लोगों को मालूम ही होगा, संत तुलसीदास के बारे में, ठीक है, संत तुलसीदास। तो आप लोग क्या करिएगा, जिन लोगों को एम एन आर राय के बारे में नहीं मालूम है तो तुलसीदास जी के जो प्रमुख सामाजिक विचार थे उन्हीं को आप तीन चार पेज में व्याख्या करके बढ़िया अच्छे से हेडिंग डाल के लिख दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएंगे अच्छे खासे, ठीक है। तो एक में से ही चाहे आप ये कर लीजिएगा, जिन स्टूडेंट को नहीं मालूम हो ये कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप ऐसे करके क्वेश्चन लिख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन में कुछ कैसे क्या लिखना है, क्या प्रोसेस है, कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं, हम उसका 100% रिप्लाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो ये मॉडल पेपर था इसमें कुल कितने क्वेश्चन थे, कितने क्वेश्चन थे, पाँच थे, पाँच में आपको 10 दिए गए थे, ठीक है। 10 क्वेश्चन से अथवा करके उनको भी मिला के 10 क्वेश्चन से जिसमें आपको 5 करने हैं। अगर आप 5 में से 4 भी कर लेते हैं तो आप अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ाई करिएगा और अच्छे से पास भी हो जाएंगे आप, लेकिन थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। ये जो आप लोगों का मॉडल पेपर था राजनीतिक शास्त्र का, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर राजनीतिक शास्त्र का भी मॉडल पेपर बनाइए, तो मैंने फाइनली सर्च करके ये मॉडल पेपर आप तक प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की है, सारे क्वेश्चन बताए हैं आप लोगों को। अब इनकी पीडीएफ मैं आपको बता दूं, लिंक भी मेरे लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वेबसाइट का। जैसे कि पिछली वीडियो मैंने आप लोगों को बताया, बहुत सारी मैंने मॉडल पेपर की कोई वीडियो अपलोड कर दी है, अभी तक नहीं देखा तो चैनल पे जाके आप देख लीजिएगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको वेबसाइट पे आप क्लिक करेंगे, www.sandeepinfo.com करके है, उस पर क्लिक करेंगे तो वेबसाइट पे जाएंगे, उसके बाद BA BSc लिखे रहेगा, वहाँ पर क्लिक करने के बाद पेज ओपन होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमें कमेंट करिएगा, मैं उसका भी सलूशन कर दूंगा। और डिस्कशन में मेरा टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप ग्रुप भी मिल जाएगा, उससे ज्वाइन होकर आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो हमारे BA BSc BCOM के हैं, अगर वो भी मॉडल पेपर चाहते हैं, अगर उनकी भी कोई किसी भी प्रकार की क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूं। तो आप अगर डेली चाहते हैं इसी तरह के मॉडल पेपर तो आप शाम को हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि शाम को मैं वीडियो अपलोड कर देता हूं। तो आई होप अगर आप वीडियो सारी देखेंगे तो आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।